सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिले की हुनहार जूनियर कुश्ती खिलाड़ी पहलवान बिपाशा ने पहली बार में ही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर हरियाणा और सोनीपत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। हुनहार बेटी द्वारा जीते गए मेडल की खुशी में ग्रामीणों द्वारा युद्धवीर अखाड़े में एक सम्मान समारोह आयोजित कर बेटी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान होनहार बेटी विपाशा ने बताया कि उनका पहला और दूसरा मुकाबला मंगोलिया और उज़्बेकिस्तान से हुआ था, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भविष्य में आयोजित होने वाले मुकाबलों की वो तैयारी करेंगी। उनका जोरदार स्वागत हुआ है, जिससे वो बेहद खुश है और भविष्य में भी देश के लिए इसी तरह से मेडल जीतने का प्रयास करती रहेंगी। इस मौके पर उनकी मां गीता ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार कुश्ती खेलने के लिए भेजा तो उनको समाज के लोगों की बातें भी सुननी पड़ती थी। लोग कहते थे कि लड़की को कुश्ती खिला रहे हो, क्या ये सही रहेगा? लेकिन अब उनकी बेटी विपाशा ने जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीता है तो सब खुशी मना रहे हैं। बेटी भी आजकल बेटों से कम नहीं है, केवल जरूरत है उन्हें हौसला देने की। आज वो अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर काफी खुश है। मौके पर मौजूद विपाशा की कोच परीक्षा ने भी बताया कि बहुत ही मेहनती होनहार कुश्ती खिलाड़ी है, जिन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल पहले ही जीत लिया है, जिसे अब इनका चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हो गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में चैंपियनशिप के लिए रवाना होगी। इसके लिए वो इनकी अच्छे से तैयारियां करवाएंगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। बेटी की माँ लगती थी मैं, और जो बेटी ने गेम हमने शुरुआत में जब बेटी ने शुरुआत की तो हमें ये लगता था, काफ़ी लोगों ने हमें ये भी कहा कि लड़की को भी खिला रहे हो आप, समाज की भी कुछ सुननी पड़ी। लेकिन आज जब ये मेडल जीत के आई हमारी बेटी वर्ल्ड लेवल पर, तो हमें बहुत खुशी हो रही बहुत। और गाँव वाले जो लोग ये कहते थे आस पड़ोस में भाई लड़की को खिला, आज वो भी खुश हैं। वो भी इसको देखते हुए ये कह रहे भाई, उनके मन में ये धारणा आई है, बदली है उनकी सोच कि भाई हम भी अपनी बेटियों को आगे लाए। अच्छा, कितनी उम्र में खेलना शुरू किया था? इसने जी 8th क्लास में थी तब खेलना शुरू किया था, अब ये 11th में हुई है। अच्छा, कितनी उम्र है अभी इसकी? उम्र जी इसकी 19 साल। पहले कितनी उम्र में खेलना शुरू किया था? इसने जी बस ये 15-16 साल यही टाइम हुआ बस। अच्छा, कौन सा गाँव बेटी का? गाँव खांडा, छोटा खांडा बोलते हैं, जिलंबरदार का खांडा। अच्छा, खरखोदा एरिया। खरखोदा एरिया। खुश है बेटी की उपलब्धि? बहुत खुश है सर हम, पर आज तो बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि कितने खुश हैं। अच्छा बताओ, कब से कब तक मुकाबला था, कौन सा मेडल जीता? मेरा 16 से 22 तक था, और 18 को मेरी बाउट थी सेमीफाइनल बाउट, और फाइनल बाउट 19 को थी। फाइनल बाउट किसके साथ हुई? मेरी कैली वेलकर है USA की, उसके साथ थी फाइनल बाउट। अच्छा, किसको हराया आपने? मेरी फर्स्ट बाउट थी उसके मंगोलिया के साथ थी, सेकंड उज़्बेकिस्तान के साथ थी। कितने कौन सा पदक मिला? सिल्वर मेडल मिला। अच्छा, अब आगे की क्या तैयारियां रहने वाली हैं? अभी जो U23 है नवंबर में उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके लिए सिलेक्शन हुआ है, तो वो नवंबर में टीम जाएगी। अच्छा लग रहा है हमारे पास, जो हमने जिस बच्ची को फ्रेश स्टार्ट करवाया है उसने हमारा आगे जाके हमारे देश का और हमारा नाम रोशन किया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल है, इनके थ्रू हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, यही आप मान के चलो। अच्छा, इनका मुकाबला किस तरह से रहा और कितनी शक्ति व ताकत से मेडल जीता गया? इसने हमने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी, इतना अच्छा जो फर्स्ट टाइम इसका इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन था इसने बहुत अच्छा किया है, और इससे इसका हौसला और बढ़ा है। अब जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेगी हमें ये उम्मीद है कि इससे और भी अच्छा खेलेगी। और कौन से खेल आने वाले हैं? अभी U23 नेशनल में इसका गोल्ड आया है, तो इसका सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो ये नवंबर के फर्स्ट वीक में वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसकी।